आपको सबसे पहले बाइक लेना ही चाहिए। भगाना बहुत आसान है, रोकना बहुत मुश्किल है। इसे ही रेस दी है तो ये एक सेकंड में वो किसी को रिकमेंड करते हो कि स्टार्ट के लिए ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं? मतलब आप 2 साल से कोई इशू मसला मसाइल कोई इस तरह के जिक्र अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे और वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ये मेरा गेम है बाइक रिव्यू सेशन। तो गाइस आज हमारे पास है 250 चाइनीज़ बाइक, मैं बोल सकता हूँ रेप्लिका बोल सकता हूँ। तो इस बाइक को आप देख रहे होंगे बहुत कैची है, गुड लुकिंग है और इस बाइक से जो है ना मैं बस एक चीज़ में बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ कि अब जो है इस टाइम पर बाइक लेना बहुत इजी हो गया है। ठीक है, जब मैं कॉलेज लाइफ में था या जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था, हर मिडिल क्लास बॉय का जो है ना एक ड्रीम होता है कि यार हमारे पास एक बाइक हो, हैवी बाइक हो। घर वाले फोर्स कर रहे होते हैं कि जी 70 125 ले ला है, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी हैवी बाइक होना चाहिए, बस दिखने में हैवी बाइक होना चाहिए। तो जी ये है वो बाइक। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में कराची में भी हैं लेकिन कुछ सिटीज़ में नहीं है अभी भी, तो ये ईज़िली जो है ये बाइक सब मिल जाते हैं। ठीक है, तो जिन भाई की ये बाइक है उनसे आज हम ज़रा डिस्कशन करेंगे कि भाई कैसे ली, किस तरह ली और इस बाइक के बारे में हम डिटेल रिव्यू देंगे आपको कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रोज कॉन्स क्या है, ठीक है कितना सीसी है और क्या एवरेज देता है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारे साथ हैं आज मूसा भाई। अस्सलाम वालेकुम मूसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, ठीक। अच्छा तो मूसा हमें ये बताएं कि आपके पास माशाल्लाह 250 सीसी है, ठीक है, तो क्या स्टोरी है? देखें हर बाइक लेने के पीछे मैं सोचता हूँ कोई ना कोई स्टोरी होती है, बिल्कुल। तो इस बाइक के पीछे क्या स्टोरी है और क्या इसके पीछे इनसाइट्स हैं यार, वो तो शेयर करें सबसे पहले। अच्छा, बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये मेरी फर्स्ट बाइक है। सही है, इससे पहले मैंने कभी कोई बाइक परचेज नहीं की, इवन के जो शौक होता है 70 या होंडा 125, वो होंडा की भी एक मिसाल है कि मैं तो होंडा ही लेसा, तो मैंने वो भी नहीं परचेज किया। ठीक है, वो इस वजह से नहीं परचेज किया कि क्रेज था कि यार बाइक लेनी है तो अच्छी लेनी है। सही है, और ये क्रेज आपका नहीं था, ये तकरीबन 7 to 8 इयर्स हो गए हैं इसे। सही है, ठीक तो है, तब से ये बाइक मेरा होल्ड पे था। तो कुछ आपने 8 साल इंतजार किया बाइक लेने के, वेट किया, उसकी रीजन कुछ ये भी थी के कुछ रीज़न ये थी कि घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं थी। सही है कि जी वो तेज़ होगी बाइक, तेज़ चलाएंगे लगेंगे चोटें लगेंगी, तो वो उस वजह से ना मुझे इजाज़त ही नहीं थी। वो एक दफ़ा कह लें बाई चांस ही ये बाइक परचेज कर लिया। सही है, निकले हैं कोई बाइक लेने के लिए, तो वो आपने देखा होगा कि सुजुकी 155 जिक्सर। सही है, वो मार्केट में ना 150 की वो कहते हैं कैटेगरी में आता है, तो वो बाइक परचेज करने जा रहे थे। तो वहाँ पे वो देखने के बाद प्लान ये बना के नहीं यार ये बाइक ना, उसकी प्राइस भी एज कम्पेयर टू उसकी लुक वाइज कुछ प्राइस इतनी मैच नहीं होती, इस वजह से हमने वो बाइक ना कैंसिल की। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा बाइक ओवर प्राइस्ड है, एक तो खैर कंपनी का भी है, ब्रांडेड बाइक है, ब्रांडेड बाइक है, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से ना वो बाइक थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था। सही है, लुक वाइज। तो मैंने कहा यार अगर चले कंपनी बाइक भी है ना, कुछ थोड़ा बहुत होना चाहिए उसके बाइक के अंदर ना क्वालिटी। ऐसा ही है, तो फिर उसके बाद ये चॉइस ये ली कि कुछ मैं यूट्यूब्स के ऊपर वीडियो वगैरह देख रहा था, ये मैंने देखी उन दिनों में ना ये बाइक्स लॉन्च होनी थी। सही है, चाइनीज बाइक 250 350 कैटेगरी में मैंने लुक देखी, मैंने कहा लुक भी अच्छी है, तो मैंने कहा चलें फर्स्ट ट्राई है ये भी बाइक, इसने मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया या तंग नहीं किया किसी भी तरह से। चाइनीज बाइक है, देखिए मैं मूसा भाई मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जब भी आपने किसी कैटेगरी में फॉल करना है ना, जैसे आप हैवी बाइक की कैटेगरी में फॉल करने लगे हो, तो आपको सबसे पहले बाइक लेना ही चाहिए। ऐसे ही बाइक आपने देखें बाइक आपने चाइनीज ले लिया, ये आपको 3 चीज़ें सिखा देगा, बाइक को चलाना, बाइक को रोकना और बाइक रखना कैसे है। बिल्कुल ऐसे ही, भगाना बहुत आसान है, रोकना बहुत मुश्किल है। तीसरी चीज मेन मेंटेनेंस संभालनी कैसे है भाई, दो बार कौन सा फ्यूल डलेगा, कौन सा इंजन ऑयल डलेगा, ये सब कुछ आपको बता देगी। जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए फिर आप
बड़े कैटेगरी पे चले जाओ। दो बार यही सीन हुआ है, मैंने ऐसी ट्राई की है, इसे ही रेस दी है, तो ये एक सेकंड में वो अगली बाइक अगली कार के पास पहुंची है, तो मैंने कहा यार ये आउट ऑफ माइंड हो जाता है बंदा कि यार इसको रोकना। मुझे ये लगता है जब आप इन बाइक्स पे होते हो ना, आपके पास कुछ सेकंड्स होते हैं डिसीजन लेने के लिए। इसी तरह एक यू टर्न गुजर रहा है, आपने कहा यार मैं यू टर्न लूं के ना लूं, ना लूं, वो गुजर गया ठीक है। और आपने पीछे भी देखना कि यार पीछे कोई मसला मसाइल गाड़ी तो नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये माशाल्लाह मतलब आप दिखने में बाइक बहुत अच्छा है, कलरफुल है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें ये कितने सीसी बाइक है और अभी ये आपको क्या फ्यूल एवरेज दे रही है? ये 250 कैटेगरी में आती है ये बाइक, ठीक है। सिंगल सिलेंडर में है, ऑयल कूल, ठीक है। ओके तो मूसा भाई मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने ये बाइक रखा हुआ है, ठीक है जी। ये कैची है बहुत, ठीक है, कलर भी बहुत अच्छी है, स्टिकरिंग वगैरह दिखने में बहुत हैवी बाइक है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये अभी मार्केट में जो है इसकी क्या प्राइस वैल्यू है और आप कितना सीसी इंजन है और फ्यूल एवरेज इसकी क्या है? फ्यूल एवरेज इसकी है कि एक लीटर में ये 25 किलोमीटर कट जाती है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इसकी ना। दूसरा ये इस बाइक खींचते भी तो है ना, फिर हम खींचते भी हैं तो ये 25 टू 30 भी कर जाती है अगर करें, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, इंजन हीटअप हुआ है, वेदर कुछ हॉट है, उस वजह से भी ना ये इसकी यानी कि ऑयल कंजप्शन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है ठीक है। तो एवरेज मुझे ये बताएं जैसे कि ये एक चाइनीज बाइक है जी, ठीक है, इसमें बहुत से प्रोज भी होंगे, कॉन्स भी होंगे, बेनिफिट भी होंगे, ठीक है। तो इसमें आप कैसे मतलब आप किसी को रिकमेंड करते हो कि स्टार्ट के लिए ये बाइक लेना चाहिए कि नहीं? ये ले अगर बिगनर है तो मोस्टली ये बाइक यूज़ कर लेनी चाहिए। मैं यही बोलता हूँ कि अगर तो आप बिगनर है तो आपको ये पहला बाइक आपको लेना चाहिए। दूसरा यार एक एक अच्छे प्राइस में, एक रीजनेबल प्राइस में आपको एक बाइक मिल रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये चाइनीज बाइक है या ओरिजिनल है। ओरिजिनल वो देख के कहते हैं कि यार वाओ बाइक जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि लेकिन आपको पर्सनली फील हो रहा होता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है, तो टाइम टू टाइम जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो फिर आप दूसरे बाइक पे जंप कर सकते हैं। दूसरा मुझे बताएं कि अभी इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, जीरो मीटर कितनी है और यूज में अगर जाएं ये तो इस टाइम है 7,30,000 की ब्रांड न्यू अगर बाय करें, सही है। उसके ऊपर एग्जॉस्ट वगैरह लगवाना चाहते हैं तो वो आपकी ओन चॉइस है कि 750 तक आपको, ठीक है, ये बाइक पड़ जाएगी पड़ जाएगी। तो मैंने जब ली थी तब ये 5 लाख की थी, सही है। इस टाइम 730 की है, सही है। तो अभी भी वो यानी कि प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से। ये कौन सा मॉडल है? ये मैंने लिया था 2021 अगस्त में। और अभी इसकी मार्केट वैल्यू इस कंडीशन में क्या होगी? राउंड अबाउट 5 लाख इतनी होगी हो, यानी तो, कि जितने की प्राइस। तो मूसा टेक्निकली आपको 5 लाख रुपए में पाकिस्तान में एक हैवी बाइक मिल जाएगा, ठीक है, जो दिखने में भी अच्छा, यूज में दिखने में भी अच्छा होगा, चलाने में भी आप अच्छा होगा। बिगनिंग के लिए, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है, ठीक है, चलाने के लिए और सारी चीज़ें। अच्छा तो मूसा भाई अब मुझे ये बताएं कि जैसे ये अब चाइनीज बाइक है, इम्पोर्टेड बाइक है तो इम्पोर्टेंट ही ना, ऐसी इसके मेंटेनेंस वगैरह का क्या सूरत हाल है? मैकेनिक इजी भी इजीली अवेलेबल हैं नहीं है, या जिससे आपने ख़रीदी है वो आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये इस बारे में ज़रा बताएं। जिनसे परचेज की है मैंने बाइक, वहाँ से मैंने मेंटेनेंस इसकी करवाई है, सही है, बट वो मुझे ना कुछ खास इतनी पसंद नहीं आई। उसकी रीज़न जस्ट ये है कि जो सेलर्स होते हैं ना उनके पास मोस्टली मैकेनिक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, वो तो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वो अपनी एक रैपो रखने के लिए कि यार हम बाइक दे रहे हैं, हम इसकी आफ्टर सेल्स भी देंगे, आफ्टर सेल्स भी इसकी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भी देंगे। तो मैंने एक दो दफ़ा करवाई उनसे रिपेयर, कोई ट्यूनिंग वगैरह, एक नॉर्मल सी चीज़ है तो आपको पता चल जाता है कि अगर मैंने एक ट्यूनिंग सिंपल सी चीज़ है वो भी करवाई है तो इसमें फ़र्क आया भी है कि नहीं आया। तो उस वजह से फिर मैंने ना, ये सिंगल कारपेंटर बाइक है, ये सिंगल कारपेंटर है। मेरे पास 350 चाइनीज बाइक था ट्विन कारपेंटर, अब वो ट्विन कारपेंटर में दो कारपेंटर लगे हुए होते हैं इस तरह, उसकी ट्यूनिंग करना बड़ा टास्क होता है। वो मैंने ले तो ली थी, वो ड्यूल सिलेंडर था, बहुत अच्छा बाइक था, लेकिन वो यहाँ पे जिस मैकेनिक के पास जाता था उसमें ट्यूनिंग नहीं होती थी, उससे नहीं होती, हल्की सी मिसिंग कुछ ना कुछ रहता रहता था। खैर ये EFIA के कारपोरेटर है, ये कारपोरेटर है, कारपोरेटर है, लेकिन खैर इंशाल्लाह अभी मैंने सुना है कि जो नए मॉडल्स आ रहे हैं वो EFIA में वो EFIA आ रहे हैं। अभी मैं इसको, मेरा प्लान है बाइक चेंज करने का ना, ठीक है, तो मैंने इसको, अगर अभी कितना टाइम हो गया इस बाइक को अराउंड अबाउट
पौने दो साल तो हो गए। पौने दो साल हो गए, मतलब आप दो साल से कोई इशू मसला मसाइल कोई इस तरह के जी कहीं चल चल जा रहे जी खड़ी हो गई हो बाइक जी? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये एक क्वालिटी है कि कभी भी किसी रास्ते में ये बाइक खड़ी नहीं हुई, रुकी नहीं है। सही है। और इवन कि आप बिलीव करेंगे कि दो साल के करीब होने वाले हैं और आज तक कभी भी इसकी मैंने हवा तक नहीं डलवाई टायरों में। इमेजिन करें, मैंने सिर्फ चेक करवाया, सिर्फ चेक करवाया। और स्ट्रॉन्गली मैं इस चीज़ को पर हैरान हूँ कि मुझे इसके अंदर हवा डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा इसकी क्या रीज़न क्या है? एक बार मैंने खुद शौक, नीड नहीं है, मैंने कहा चले चेंज कर लेते हैं ना, एयर फ्रेश एयर चली जाएगी। तो एक बार मैंने चेंज करवाई है, उसके बाद इसमें एयर की जरूरत नहीं पड़ी। सही है। और पंचर भी नहीं कभी हुई। इधर लोगों का ना बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट बन गया हुआ है। मैंने भी चाइनीज़ यूज़ की थी बाइक, मेरा बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा। लोग कहते हैं कि यार चाइनीज़ बाइक लो रोते ही रहो। मैं ये कहता हूँ कि यार आपने फॉर एग्जांपल चाइनीज़ बाइक यूज़ में ले ली किसी से, ठीक है, अब वो आपने यूज़ में तो ले ली, अब उस बंदे ने किसी से ली होगी, उसने किसी से ली, वो किस हाल में रखा हुआ था वो नहीं पता, कोई पता नहीं। आपने बाइक लेना है, आप ब्रांड न्यू लें, फिर आप बता सकते हो कि जी ठीक है, ठीक है। ये तो आप 125 और किसी भी और कैटेगरी का बाइक ले लोगे आप यूज़ में और बंदे ने रफ़ यूज़ किया हुआ तो आपको तंग करेगा वो, ठीक है। तो मैं हमेशा, मैं अभी भी सबको व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा जो बाइक लेना चाह रहे हैं भाई, बिगनिंग के लिए 150-250 बाइक लें, छोटा इंजन लें, ये भी छोटा नहीं है। ये टॉप स्पीड कितना करता है? टॉप स्पीड मैंने जो अप्लाई की है इस पर 145, ठीक है। अब 150 स्पीड इज नॉट लाइक अ पीनट जो अप्लाई किया, और उसके बाद कभी मैंने ये अप्लाई भी नहीं की क्योंकि वो ना तो हमारे पास वो रोड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और ना हमारे पास वो वे है कि जहाँ पे। अब आप ये देखें 150 स्पीड जो है ये कोई मजाक नहीं है, 150 स्पीड एक स्पीड होता है, सही है। अब 150 स्पीड को रोकना भी तो है ना, भगाना तो बहुत आसान है जी, खाली रोड है कोई आगे आ गया, रोकना टास्क है। तो मैं यही कहता हूँ, देखिए इसकी 150 है, मेरे पास R6 है, उसकी टॉप स्पीड मैंने 300 समथिंग मारा हुआ, ठीक है, एक ही बार लिया था, एक ही बार चेक किया और मैंने भी एक बार चेक जिंदगी में, उसके बाद कभी नहीं किया, नहीं किया। अब मेरा पॉइंट ये है कि अब आप डायरेक्ट मुझे जो यहाँ आपको कोई R6 पे बिठा दे आपको समझ ही नहीं आएगी बाइक नहीं आएगी। इसलिए बेसिकली स्टार्ट लें 250 से, 300 से, वैसे टेक्निकली 250 से लेना चाहिए, 150 बहुत अंडर पावर है, 150 का है नहीं है, वो 150 का वही है जो होंडा 125 चल रहा है। तो आप 250 से इसका टॉर्क भी बेटर है, 250 से फिर आप 400 पे आ जाएं या आस्ता-आस्ता चलते जाएं कर सकते हैं, आप बाइक कंट्रोल करना आ जाए। देखो मूसा, एन एवरेज में अब आप देख रहा हूँ सोसाइटी में, सराउंडिंग में, आप भी हमारे ग्रुप में और थंडर राइडर में, एन एवरेज यार बाहर पे कहीं ना कहीं शहर से हर महीने एक न्यूज आती है किसी की डेथ हो गई, बहुत, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरा व्लॉग मैंने बनाया, प्रो राइडर था, इंडियन का राइडर, वो भी स्पीड टेस्ट कर रहा था, वो भी आपका व्लॉग देखा है, ठीक है, वो बेचारा उसकी डेथ हो गई। बहुत सारे लोग हैं, देखो एक बड़ी फेमस सी लाइन है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, बट किल्स, ठीक है। ये लास्ट ईयर जो 2022 एंड हुआ है, आपको रिमाइंडर होगा लाहौर में एवरी वीक जी एक डेथ हो रही थी। रिसेंटली साहिवाल से भी दो या तीन मुझे न्यूज आई उनकी डेथ हुई, लाहौर से भी, लाहौर बैरिया टाउन में एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, वो टॉप स्पीड चेक कर रहा था, ब्रेक नहीं लगी, बैरियर में लग गया, बैरियर में बहुत सारे इंसिडेंट। और ये सारे इंसिडेंट सिर्फ इस वजह से मैं स्पीड चेक करने के लिए या रश में जाके और वो ब्रेक लगती नहीं, इसकी इन बाइकों की आप कहें ना कि आप भगा के ब्रेक लगा लेंगे, ये भागती है आपकी अपनी मर्जी से, लेकिन रुकती अपनी मर्जी से बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए दो चीज़ें बंदे को मरवाती हैं, एक शोखी, दूसरे आगे टेस्टिंग वाले मामला। देखा देखिए आपने भगाई, मतलब टेस्ट किया है, अभी इसे ऊपर भी इसका था कि ये चली जाएगी, लेकिन मैंने वो वहाँ पे बाइक छोड़ दी थी, नहीं फायदा नहीं है, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, था भी रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे, मैंने इसको ना वापसी, अभी लास्ट मैक्सिमम भी मैं इसको 100 पे चलाता हूँ भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी, मैंने इसको कभी चेक भी नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। बाकी खैर, थैंक यू सो मच मूसा आज हमें टाइम देने के लिए और माशाल्लाह इतनी अच्छी बाइक लोगों को दिखाने के लिए, थैंक यू। तो आप लोग जो है वो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आप लोगों ने इस तरह की कोई बाइक लेनी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल हेल्प आउट कर सकता हूँ, और इसी तरह हमें देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का, और सब्सक्राइब करें यार, बेल आइकन भी दबाएं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ये मेरा गेम है, थैंक यू, शुक्रिया।
There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different.